हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पेश हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़, शिक्षा विभाग की चार प्रमुख खबरें। खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किंग्समैन ई हब, प्रेस बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको ये महत्वपूर्ण खबरें। संगठनों के अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सरकार अपनी जगह सही थी। अब सरकार ने महसूस किया है कि वह गाइडलाइन कोरोना काल से पहले की है, जो वर्तमान हालत के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी मृत कार्मिक के स्वजन नौकरी और मुआवजे से वंचित नहीं रहेंगे। सरकार का फैसला निसंदेह जनोपयोगी है और पीड़ित परिवारों के लिए राहत भरा है, और ऐसा ही किया भी जाना चाहिए। समझना होगा कि यह दौर आफत भरा है। जान हथेली पर लेकर लोग ड्यूटी निभा रहे हैं, इसे मजबूरी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी सख्त जरूरत है। ऐसे में सरकार को भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इसलिए नहीं कि यह उसकी जिम्मेदारी है, बल्कि इसलिए भी कि इस कर्मचारियों में हौसले का संचार होगा। परिवार के भविष्य को लेकर बेफिक्री किसी भी कर्मचारी को हौसला देने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर जल्द से जल्द अमल करने के लिए संबंधित लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए। यह फैसला भी सराहनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता को खो चुके बच्चे की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं, जब माता पिता दोनों के निधन के बाद बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इन बच्चों को वास्तव में सहारे की जरूरत है। सरकार ने उनकी जिम्मेदारी लेकर तमाम चिंताएं और आशंकाएं दूर कर दी हैं। कोरोना काल में सरकार को अभी ऐसे और भी कल्याणकारी कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे विषयों का चुनाव कर उन पर सरकार को विचार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम परिवार मिल जाएंगे जिनका सहारा इस कोरोना ने छीन लिया है। कमाऊ सदस्य के चले जाने से रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए। सपा शासन में मंत्री रहे अहमद हसन का 2016 में यह बयान खूब चर्चित हुआ था कि शिक्षक का बेटा पानी नहीं पिलाएगा। इसी उद्देश्य से मृत शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद में प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमल नहीं हुआ। लिहाजा 2018 तक प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 13,193 मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए। इनमें ऐसे आश्रितों की संख्या सबसे अधिक है जो इंटर, स्नातक और अधिक योग्यता रखते हैं। योगी सरकार में योग्यता के अनुसार शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 20 माह से चल रही है। अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इसका लाभ पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी मिल सकेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद में 1997 के पहले किसी भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को इंटर की योग्यता पर अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलती थी। उससे कम पढ़े लोग अनुचर पद पर नियुक्त होते थे। 1997 के बाद अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आश्रित का स्नातक होना जरूरी था। 26 जुलाई 2011 को प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ और मृतक आश्रितों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक के साथ BTC और TET कर दी गई। NCTE ने BEd अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती के लिए अर्हता माना है। तब परिषद सचिव ने 10 अक्टूबर 2019 को BEd किए हुए प्राथमिक TET पास मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। इसके सिवा आश्रित के पास कोई भी योग्यता हो, तबादले